Now, good morning, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ एक्सचेंज फॉर मीडिया को और इसके चेयरमैन साहब जो अभी मौजूद नहीं है, जनाब अनुराग बत्रा साहब। आ रहे हैं क्या? पर अनुराग की रूह जो है वो है रोहेल साहब। ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो रोहेल साहब ही करते हैं और रोहेल अमीन साहब ने ये जश्न सहाफत का जो एहतमाम किया है उसके लिए मैं आपका मुबारक दे दूंगा। और जैसे अभी हमारे पहले स्पीकर ने कहा कि एक बड़ा अच्छा आपका प्रयोग है, अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उर्दू के बारे में अपने ख्याल का इजहार करूं, क्योंकि मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं उर्दू से मोहब्बत करता हूं, उर्दू से प्यार करता हूं और उर्दू का दीवाना। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान। उर्दू जिसे कहते हैं, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज्जब है जिसको ये ज़बान आई। आप सोच लीजिए कि उर्दू कितनी खूबसूरत ज़बान है। मेरी पैदाइश क्योंकि नवाबी रियासत जावरे में हुई, जावरा मध्य प्रदेश इंदौर के अजमेर के बीच में रियासत है, वो वहीं से उर्दू से मोहब्बत और उर्दू के बारे में जानने का सिलसिला शुरू हुआ और साथ ही मौसीकी का इश्क भी जावरे के कारण। अभी आपने जिक्र किया कि मैं मौसीकी और कल्चर के कुछ बोलूंगा, तो उर्दू का प्यार, मैंने कोई उर्दू पढ़ी नहीं है और उर्दू हमारे टाइम पे पढ़ाई भी नहीं जाती थी, ऑप्शनल थी, पर उर्दू हम लोग सब जावरे वाले बोलते हैं। जावरे की मेरी दो बेटियां भी आई हुई हैं, वो भी उर्दू बोलती हैं, समझती हैं। जावरे में उर्दू का माहौल था इसलिए हम उर्दू के अंदर पढ़े हुए पले। तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स को गुजारिश की कि मैं उर्दू का हिंदुस्तान की कल्चरल लाइफ में कितना अहम मुकाम रहा है उस पर कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगा, जिसके लिए मुझे खुशी है कि रोहेल अमीन साहब और ये ऑर्गेनाइजर्स मान गए और इस उर्दू जैसी खूबसूरत ला के अपने ख्याल जाहिर करने का मुझे आज मौका दिया है। अभी जैसे बताया गया कि 200 साल पहले कलकत्ता से पहला उर्दू अखबार जामे जहनुमा पब्लिश हुआ था, उसके मालिक हरिहर दत्त और सदा सुख दोनों ही हिंदू थे, ये आप ख्याल रखिएगा, दोनों हिंदू थे। ये जो भी बात कही आपने कि इसका मजहब से कोई लेन देन नहीं, मेरे वालिद को हिंदी नहीं आती थी, वो खत्री पंजाबी थे, जावरे में रहते थे, उनको उर्दू आती थी। मेरी शादी ब्राह्मणों में हुई, फादर इन लॉ कस्टम कमिश्नर थे, उनको उर्दू आती थी, हिंदी नहीं आती थी, हम उस माहौल में पैदा हुए। तो और मत गौरतलब है कि उर्दू सहाफत के आगाज को दो सदियां हो गई, उर्दू अखबारों ने हिंदुस्तान की तामीर में अहम रोल अदा किया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान और कई दीगर लोगों ने अपने अखबारों के जरिए से आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी के मतवालों ने अवाम को वतन की आजादी के लिए बेदार किया और मुल्क को आजादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान में उर्दू की जड़ें मुगलिया दौर से चली आ रही, जब फारसी बोलने वाले हुक्मरान सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम कर रहे थे। दरअसल उससे पहले सल्तनत के वक्त से हिंदवी ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा की। हिंदी न सिर्फ दिल्ली की जुबान थी बल्कि वह दक्षिण की जुबान भी थी। उर्दू के पहले शायर जनाब वली औरंगाबादी या वली दखनी, जिनको वली गुजराती भी कहते हैं, आज वली के शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है।
अहमदाबाद में उनकी मजार को नेस्तानाबूद कर दिया गया है, लेकिन वली के शहर का नाम बदल देने से, उनकी कब्र को मिसमार कर देने से वली के पैगाम मोहब्बत को नहीं मिटाया जा सकता। वली की लिखी गजलों में प्यार की कैफियत, दिलों में चुपकी तड़प और काशी की अधिकत लिखी गई उनकी गजल की लो को ना तो कोई बुझा सकता है ना मिटा सकता है। यही हमारी विरासत है। अपनी उर्दू तो मोहब्बत की जबान थी यारों, अपनी उर्दू तो मोहब्बत की जबान थी यारों, उफ सियासत ने उसे जोड़ दिया मजहब से। फारसी, अरबी और दूसरी हिंदुस्तानी जुबानों के संगम से बनी उर्दू अलग अलग हलकों और तबकों के बीच एक राब्ते की जबान के रूप में डेवलप हुई और मूलों के जमाने में इसका फरोग हुआ। हम ना उर्दू में ना हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। उर्दू जबान हिंदुस्तान के प्लूरल कल्चरल और विरासत का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही है। उर्दू लाखों लोगों के जरिए बोली जाती है। जहां जहां कोई उर्दू जुबान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। उर्दू लाखों लोगों के जरिए, इसकी अपनी एक तारीख है। यह मुल्क की इस्लामी विरासत के साथ भी जुड़ी हुई है। उर्दू लैंग्वेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कल्चरल और हिस्टोरिकल जड़ों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। उर्दू जबान का इस्तेमाल हिंदुस्तान के भीतर कल्चरल डायवर्सिटी को मजबूत और जिंदा करने में मदद करता रहा है। यह एजुकेशन और मीडिया के टूल और पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उर्दू अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक दूसरे से डायलॉग करने के काबिल बनाती है। बर्रे सगीर हिंदुस्तान में उर्दू की सकाफती जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी अहमियत के कई पहलू हैं। जो ये हिंदुस्तान न होता तो उर्दू जबान न होती, हिंदुस्तान न होता तो उर्दू जबान न होती। उर्दू स्क्रिप्ट के सबसे पहले नमूने 13वीं सदी के सूफी संत अमीर खुसरो की शायरी में पाए जाते हैं। 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य के दरबारों में उर्दू स्क्रिप्ट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता। कल्चरल और अदबी जबान के रूप में तेजी से मकबियत हासिल की। उस दौरान इस स्क्रिप्ट पर फारसी, अरबी और तुर्की जुबानों का बहुत असर पड़ा और इसकी स्क्रिप्ट के फरोग को मुतसिर किया शायरों ने। अपने ख्यालात, जज्बात का इजहार करने और समाज पर कोई तबसरा करने के लिए उर्दू का इस्तेमाल किया और उनकी रचनाएं अमर हो गई। गजल उर्दू से बहुत ही नजदीकी से जुड़ा हुआ एक पोएटिक फॉर्म है, जो अपनी मौसीकी भरी खूबसूरती और जज्बाती गहराई के लिए अपनी खास पहचान रखती है। उर्दू शायरी जबान और इलाके की हदों को पार करते हुए इंसानियत की आलमगीर जबान बन गई है। अजब अजब लहजा है उनकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है उनकी गुफ्तगू का, गजल जैसी जुबान बोलता है। अजब लहजा है उनकी गुफ्तगू का, गजल जैसी जुबान बोलता है। गजल उर्दू का एक कल्चरल गिफ्ट है। मजे की बात है कि बहुत सी जुबानों में गजल लिखी जा रही है। हिंदी में भी, गुजराती में भी गजलें लिखी गई हैं और लिखी भी जा रही है, लेकिन गजल का जींस तो उर्दू ही है। उर्दू अदब ने हिंदुस्तानी कथा साहित्य में बहुत से जिंदा रहने वाले और मकबूल किरदारों को जन्म दिया। सादत हसन मुंटो, कुतलेन हैदर और इसमें चुगताई और दूसरे बहुत से कलमकारों ने यादगार कहानियां लिखी और अमर रहने वाले चरित्र भी बनाए और भारतीय समाज की अक्कासी करते हैं। बात करने की हंसी तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने सलीका सीखा। बात करने की हंसी और तौर तरीका सीखा
हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, वो करें बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करें बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हिंदुस्तानी कल्चर और रस्म रिवाज और उर्दू अदब का एक बहुत ही अहम रिश्ता है। हिंदी और उर्दू जुबानें ही तमाम महाजिब को खास तौर से हिंदू मुस्लिम को एक धागे में पिरोए हुए हैं। हिंदू और मुसलमान मुल्क के एक ही सिक्के के दो पहलू। हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति है जिसमें सभी मजहब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। उर्दू ताजमहल की तरह हसीन है, एक ही फूल से सब फूलों की खुशबू आए और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। हिंदी सिनेमा की तरक्की में भी उर्दू ने बड़ा अहम रोल निभाया। कई क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में उर्दू के डायलॉग, गाने और नगमे शामिल हैं। फिल्मों में कई अहम मौजूदात और उनसे जुड़े जज्बात को उर्दू के हुस्न के जरिए जाहिर किया गया है, क्योंकि उर्दू में जबान की जो खूबसूरती जज्बाती ताकत है वो बेमिसाल है, जिसका इस्तेमाल कई बड़ी फिल्मों में किया गया। मुगले आजम और उमराव जान जैसी मशहूर और मकबूल फिल्में इसकी मिसाल हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा में उर्दू के जरिए जबान और तहजीब का जश्न मनाया जाता है। अक्सर फिल्मों में मुकालमे, जवान, गीत सब कुछ उर्दू में होता है, लेकिन उन्हें हिंदी फिल्म का नाम दे दिया जाता है। साहिर लुधियानवी ने फिल्म दाग एक प्रेम कथा की कामयाबी पर एक बयान दिया था और जो सच था, उनका कहना था कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदी फिल्में नहीं उर्दू फिल्में। हिंदुस्तान की कई जवानों की तहरीकें चली, हिंदी की खिलाफत हुई, लेकिन हिंदी उर्दू फिल्मों की उनकी जुबान की बुनियाद पर कभी कोई खिलाफत नहीं। साहित्य, संगम और सिनेमा में अपने योगदान के अलावा उर्दू ने मुल्क में सामाजिक एकता को बढ़ा देने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ जबानों और सकाफतों वाला एक अनोखा मुल्क है और इस मुल्क की तामीर और तश्कील में उर्दू ने एक ऐसे पुल के रूप में काम किया है जो मुख्तलिफ जबानों, इलाकों, सकाफतों और मुख्तलिफ जहन के लोगों को जोड़ता है। उर्दू सकाफती एकता की अलामत है। उर्दू है जिसका नाम हमारी जबान है, दुनिया की हर जबान से प्यारी जबान है। हिंदी में और उर्दू में फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली, आपने मुझे मौका दिया। मेरे जो भी ख्याल थे उर्दू के बारे में और पता नहीं आपको पसंद आए होंगे, पर दिस इज व्हाट आई थॉट। मेरे साथ प्रोफेसर आमना बैठी हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा जश्न एक दिन का ही नहीं, अगली बार जब मनाएं तो 3 दिन का कम से कम मनाएं। शुक्रिया, थैंक यू।